what's up guys, हम है आपके जुड़वाज सुशांत निशांत। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने भी बोला था और हम लोग लेट इसलिए हुए क्योंकि जिस दिन हम लोगों ने एक वीडियो शूट करके डाल दिया था इस चैनल पे, उसके बाद हमको ये अपडेट दिखा। अपडेट दिखा, बिल्कुल। मैं तो यार, विक्की कौशल इतना अच्छा एक्टर है, इतना अच्छा काम कर रहा है, बढ़िया डांस वांस करके बढ़िया गाने प्रमोट कर देता है भाई। बिल्कुल, बढ़िया, बिल्कुल। तो वो अच्छी बात है, अच्छी भाई बात ने है। पैसे भी लेना चालू करने ना चाहिए भी गाने प्रमोट करने के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। तो श्याम बहादुर जो है उसका ट्रेलर आया है, बिल्कुल ऑफकोर्स अच्छा होगा। तो सीधा वीडियो पे आते हैं और आगे की बात करते हैं। आपका काम यही है कि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना। ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, ऐसे ही सजेशन देते रहो। पीरियड फिल्म है, अच्छा हाँ, लग रहा है ना श्याम बहादुर नाम से, तो श्याम हाँ। बहादुर लग रहा है। अभी मैंने थंबनेल भी नहीं देखा एक्चुअली, इसलिए मैं बताने पर। अच्छा, तो आते हैं वीडियो पे। मैंने चालू किया है क्या? हाँ, चालू कर दिया है। लगा दे श्याम बहादुर, ऐसे प्यार रखो, ऐसे सपोर्ट रखो। चलो। सुरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छड्डे खेत। तुम्हारी कमांड लेने के बाद सिचुएशन काफी इंप्रूव हुई है। लुक नाइस, लुक से तो हालात नॉर्मल हुए हैं, तो इसे नॉर्मल ही रहने देते हैं। नॉर्मल मिनिस्टर, मेरे सोल्जर्स डोंट वांट नॉर्मल मिनिस्टर, दे वांट टू विन एंड आई वांट टू विन। वाओ, समझ रहा हूं। जिन्ना साहब ने खुद तुम्हें पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने के लिए कहा है, क्या सोचा तुमने इस बारे में? अमृतसर की पैदाइश हूँ, बीवी बंबई की है, दिल्ली में काम करता हूँ, इससे ज्यादा इंडियन क्या हो सकता हूँ? इंडियन आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी के जवान बॉर्डर पार कर रहे हैं, कब बताने वाले थे? श्रीनगर पे पाकिस्तानी झंडा देखने के बाद मैंने मानेशा को लेकर जाइए अपने साथ। अगर वो श्रीनगर तक पहुंच गए, we will lose कश्मीर। सैम, कुछ करने का इरादा तो नहीं? आपको क्या लगता है? तुम नहीं कर सकते। कर नहीं सकता या करूंगा नहीं, काबिलियत और नियत का फर्क है। वो प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान और चारों तरफ प्रॉब्लम्स। What do you plan to do? I will turn to General Manekshaw. मुझे और मेरे सोल्जर्स को इसी की ट्रेनिंग मिली है। आप राजनीति संभालिए जिसकी आपको ट्रेनिंग मिली है। क्या बात है, वाह। आर्मी का डिसिप्लिन उसकी नींव है, आर्मी की नींव मत हिलाइए मिनिस्टर। याद रहे पाकिस्तान को ये जाना हमेशा याद रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, हमारी इस वर्दी का गौरव हमेशा रहेगा। बिल्कुल, आज के बाद कोई भी ऑफिसर या जवान मेरे रिटन ऑर्डर के बिना अपनी पोस्ट से पीछे नहीं हटेगा और मैं वो ऑर्डर कभी नहीं दूंगा। वाओ, खतरनाक, खतरनाक। ये मूवी तो देखा जाएगा भाई साहब, क्योंकि सवाल ही पैदा नहीं होता। और मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती है जिसमें मैं बात करना चाहूंगा, ये मेरी पर्सनल ये बता रहा हूं, वो ये है गाइस कि ये जो पुराने लेजेंड्स जैसे शेरशाह निकाली थी, बिल्कुल भाई ने और एक मूवी निकाली थी, मैंने निशु को बोला है, निशु ने नहीं देखी वो, अरे तू बता रहा था, अरे क्या नाम है तेरा, अरे वो भगत सिंह के साथ एक थे यार, मेरे को तब वो पहले से बोल रहा है यार, वो मूवी देख, वो मूवी देख करके। तो वो ऐसी मूवी जो पीरियड मूवी जो रियल हीरोज के ऊपर निकलते हैं, मेरे को इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि आजकल के जो बच्चे है जो हुकअप्स के पीछे लगे है बिल्कुल नॉर्मली, उनको और जो भलते जॉनर के पीछे लगे है, कुछ भी वायरल करने में बिजी है, उनको मैं बताना, उनको ये पता चलना चाहिए कि कितने लोगों ने आज अपन जो खड़े हैं तो अपने पीछे इतने लोगों ने मेहनत की है, हम लोग तो बहुत बलिदान दिया है, देश बलिदान दिया है। और सरदार उधम सिंह की बात हाँ, कर रहा बिल्कुल ठीक है। तो गाइस, हम लोग इधर इतना बैठे हैं
आराम से बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ ना, विक्की भाई ने इतना तगड़ा, विक्की पाजी ने बहुत अच्छा कैरेक्टर, बहुत अच्छा कैरेक्टर पकड़ा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। वो देख रहा हूँ यार, क्या मतलब क्या एक्टिंग कर रहे हो वो, बिल्कुल कैरेक्टर को पकड़ के बहुत अच्छा डायरेक्शन मेघना गुलजार जी। तो मैं, मेरे को ये ऐसे डायरेक्टर को, ऐसे स्टोरी जो भी लिखते हैं उनको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इतनी हिम्मत, क्योंकि आपको पता है कि आप रिस्क कर रहे हो, ये चलेगी नहीं चलेगी आपको पता है, बट ये रिस्क करके आप ऐसी मुद्दे उठाते हो, मेरे को हैट्स ऑफ आपके लिए, सच में ऐसे लोगों के लिए सलाम यार, क्योंकि ऐसे मुद्दे उठाना आजकल के लोगों को दिखाना बहुत जरूरी है, बच्चों को, मैं लोगों को नहीं, लोग तो अभी पता ही है सबको कि पुराना क्या हुआ था, बट जो आजकल के बच्चे उनको कितने ऐसे आर्टिस्ट, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं पता होगा यार, बिल्कुल बहुत बच्चों को नहीं पता यार, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया नहीं पता होगा, मैं अभी की बात कर रहा हूँ, कितने ऐसे लेजेंड्स है, मेरे को तो नाम अभी आए उनके, इसलिए मैं कितने भी बोलू ना नहीं पता, नहीं अरे नहीं पता होगे, नहीं पता होगे। आज बहुत बहुत अच्छी बात है, ड्रेक को नहीं पता है, ये को नहीं पता है, बट जो अपने देश के लिए जिन्होंने अपने बहुत सारे अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे अब सावित्री बाई फुले का पूछ लो, नहीं पता होगा यार, नहीं पता लड़कियों को नॉर्मली आजकल के, क्योंकि उनको तो यही है कि भाई फालतू बात है बहुत, पर जिन्होंने लड़कियों के लिए किया उनका ही नाम नहीं पता है, बिल्कुल। तो मैं हैट्स ऑफ यार, बहुत मजा आया और मैं जरूर देखूंगा ये मूवी, अगर आप भी ऐसे स्टोरीज पे इंटरेस्टेड हो तो आप भी जरूर, जरूर देखो, देखो, और अगर आपको हिस्ट्री जानने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है तो जरूर देखो, मैं भी देखूंगा। बाकी आज का मेरा भाषण समाप्त हुआ, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई होगी तो माफ कर देना, मेरा थोड़ा सा देशभक्त जाग जाता है, बिल्कुल, क्योंकि आपको पता है जय हिंद जय भारत और नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम नमो बुद्धाय, समझ रहे हो ना, तो अपन इतने ज्यादा इंडियन है, ठीक है, तो मजा आता है ये ऐसे सब देख के। बाकी अगर कुछ छूट गया होगा तो माफ कर देना, कुछ गलती होगी होगी तो भी माफ कर देना, बाकी आप ऐसे ही प्यार रखो, ऐसे ही सपोर्ट रखो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करना, मिलते नेक्स्ट वीडियो में, जय भारत, पीस आउट।